हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में हम अपने 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन बैंक हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है हाफ ईयरली के लिए। इसमें हम रिवीजन हम कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट लेसन इसमें ले लिया है अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो लास्ट वीडियो में हम इसके अदर डिवाइसेस हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने स्पीकर्स पढ़ा जो ऑडियो के लिए यूज़ होता है आपका। आप इनसे गाने सुनते हैं, म्यूज़िक कोई सुन सकते हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको आप सुनेंगे किससे, आप स्पीकर का यूज़ करना पड़ेगा आपको उसके लिए। कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप स्पीकर का यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन भी उसी तरीके से आपका है, इसे भी आपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है और ये आपको ऑडियो इनपुट देता है। इससे आप आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरे लोगों से आप कंप्यूटर में बातें भी कर सकते बातें करते हैं। वेब कैमरा भी आपको विजुअल इनपुट देता है, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपको दिखाई देता है। जैसे अब हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं, उसी तरीके से आप वेब कैमरा के थ्रू आप एक दूसरे को देख पाते हैं, बातें कर पाते हैं। तो आज है आपका, यहाँ पे देखिए पेज नंबर है आपका 5। फर्स्ट ले लें हम स्कैनर। अ स्कैनर स्कैन्स द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर्स देम इन कंप्यूटर। एग्जाम्पल फोटोज, ड्राइंग्स, मैप्स, लेटर्स एक्सेट्रा कैन बी स्कैन बाय स्कैनर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर। अब देखिए, जैसे कि आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर की मदद से आपका किसी भी कंप्यूटर में अगर आप कोई डाटा अपने अपने पास चाहते हैं तो उसे आप प्रिंट आउट ले कर सकते हैं, जो आपको पेपर में प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अपोजिट इसका क्या है, स्कैनर। स्कैनर की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या आपके जो भी लेटर है या कोई इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं या इम्पॉर्टेंट आपके पिक्चर्स हैं किसी के पास या कहीं से भी आप अपने आपके सिग्नेचर्स हैं, तो उन्हें चाहते हैं कि आप क्या करें, उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लें, सुरक्षित रख लें इन फ्यूचर के लिए। तो आप स्कैनर की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको जो स्टफ़ है, यानी कि आपकी जो जितनी भी सामान चीज़ें हैं जिनको आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो स्कैनर के थ्रू आप उनको स्कैन करते हुए स्कैन के आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, उनको डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चाहे आपकी फ़ोटोज़ हैं, चाहे आपके ड्राइंग्स हैं, मैप्स हैं, लेटर्स हैं, पिक्चर्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपका स्कैनर, और इस तरीके का आपका स्कैनर का डिवाइस है, उपकरण है। तो ये आपका क्या है, स्कैनर है। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। आपको पता है कि जॉयस्टिक की इमेज इस तरीके से है, तो जॉयस्टिक आपका कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके कीबोर्ड में एरोज कीज होती हैं, उनकी मदद से भी हम लेफ्ट राइट की पोजीशन, अपवर्ड डाउनवर्ड की डायरेक्शन हम ले सकते हैं। तो जॉयस्टिक भी आपका गेम्स जब हम खेलते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। जॉयस्टिक हैंडल मूव्स शिप एरोप्लेन्स कार्स एक्सेट्रा इन द गेम। इट्स बटन शूट एरोज और फायर द गन्स। और जैसे कह रहा है कि आपको जो आपके कुछ बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि किसी भी चीज़ को उड़ाते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या होता है, फायरिंग के लिए, शूटिंग करने के लिए ये जो आपका जॉयस्टिक होता है ये आपका यूज़ करते हैं आप। इसके बाद है आपका बारकोड रीडर। ये देखिए आपका बारकोड रीडर आपका कुछ इस तरीके से है आपका, इसकी जो आपका डिवाइस है आपका ये बारकोड रीडर। बारकोड रीडर रीड्स कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बार कोडर्स दैट आर प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल कोडेड इंफॉर्मेशन कैन कंटेन प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, दे कैन बी रीड एंड बिल्स कैन बी प्रिंटेड। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बार कोड रीडर है, तो जो आपके बहुत सारे आप जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कोई सामान आप खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर इस तरीके की कुछ लाइंस होती हैं, तो वो आपकी क्या होती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं। तो उन कोडेड इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन क्या सूचना या क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है, यानी कि कितने रुपये का है, मूल्य जिसे हम कहते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि किस तारीख को बना है, आपकी एक्सपायरी डेट कि इसकी एक्सपायरी कब ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ये यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती हैं, तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है, उनको रीड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए आपका जो बार कोड रीडर है वो आप यूज़ करते हैं।
और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, मतलब आप लोग भी बच्चे क्या करते हैं कि किसी का कुछ नाम रख देते हैं, कोड कोडेड रख कर देते हैं कि इसको इस नाम से कर देंगे तो उसको हम क्या कर देते हैं, कोडेड कर देते हैं कोड। आप कभी कभी कोड भाषा में बात करते हैं, कुछ आप नाम ऐसे रख लेते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या इस तरीके से बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जो आपका ये बार कोड रीडर है, ये इसमें कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है और इस जो आपका डिवाइस है इससे हम क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम, उस सूचना को हम पढ़ पाते हैं। तो ये है आपका, आज इतना करेंगे आप चैप्टर्स, आपका दोबारा हम रिविजन करवा कर रहे हैं, तो आपने धीरे धीरे करके चलेंगे और जितना आपको कराया जा रहा है आपने उसे पढ़ना है, और आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ अब तक आपको करवाई है वो आपने साथ में लर्न भी आपने करते रहना है। सो थैंक यू क्लास।